नहीं रहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। एम्स में ली अपने जीवन की आखिरी सांस। दुख के सागर में डूबा हिंदुस्तान। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक तथा हिंदुस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का देहांत हो गया है। अटल जी के देहांत की खबर आते ही पूरे देश में शोकी लहर दौड़ गई है तथा अपने नेता को खोने के बाद देश आंसुओं के सागर में डूब गया है। अटल जी लगभग पिछले 2 महीने से एम्स में भर्ती थे तथा आज उन्होंने अपने जीवन की आखिरी सांस ली। कल शाम को प्रधानमंत्री श्री मोदी जी अटल जी को देखने एम्स पहुंचे थे तथा जानकारी मिली थी कि अटल जी की हालात काफी नाजुक है। इसके बाद से ही देश भर में उथल पुथल मच गई थी। आज सुबह से ही अटल जी के लिए पूरा देश भगवान से प्रार्थना कर रहा था, पूजा पाठ हवन किए जा रहे थे, लेकिन हर जंग जीतने वाले कालजयी अटल जी मौत से आखिरी जंग हार गए। न अस्पताल की दवा काम आई, न समर्थकों की दुआ काम आई तथा अटल पूरे देश को रुलाकर देवलोक गमन कर गए। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान के एकमात्र ऐसे नेता रहे हैं जिनसे हर वर्ग अपना जुड़ाव महसूस करता है। अटल जी की सबसे बड़ी खासियत थी कि वे कठिन परिस्थिति में भी हौसला नहीं खोते थे तथा दोगुने हौसले से पुनः आगे बढ़ते थे। जब भाजपा लोकसभा चुनाव में 2 सीटें जीती थी, उस समय उन्होंने कहा था कि सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। उनका ये वाक्य भाजपा कार्यकर्ताओं में ऐसी एनर्जी पैदा किया कि आज भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में तथा 20 से अधिक राज्यों में भाजपा सत्ता में है। निश्चित रूप से अटल जी का जाना देश के लिए एक वो क्षति है, वो खालीपन है जो कभी नहीं भरा जा सकेगा। अटल बिहारी वाजपेयी चाहे संसद में बोले हों, चाहे लाल किले से बोले हों या संयुक्त राष्ट्र में उनका हिंदी में दिया गया भाषण हो, हर बार अटल जी ने अपनी वाक्पटुता से न सिर्फ देश में नई ऊर्जा का संचार किया बल्कि आमजनमानस के मन को भी मोह लिया। आज जब एम्स से कहा गया कि अटल जी नहीं रहे तो ऐसा लगा जैसे एक युग का अंत हो गया है। अटल जी के निधन पर मीडिया से लेकर सोशल मीडिया, मशहूर हस्तियों से लेकर आम जनता तक अपने नेता को श्रद्धांजलि दे रही है तथा रो रही है। सुदर्शन परिवार आदरणीय अटल जी के देवलोक गमन पर उन्हें अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता है, उन्हें नमन वंदन करता है। अटल जैसा न कोई हुआ न होगा। अलविदा अटल। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।